वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मामले, कुल 52000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, अब तक 1695 की जान गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1430 मामले, कुल 31000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, अब तक 1026 की जान गई। नए केस में मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना मुंबई, मास्को के बाद रोजाना सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित, अब तक 1758 पुलिस वालों को वायरस का संक्रमण। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्री के बीच सियासी घमासान, रात के 2 बजे तक उद्धव पर ट्वीट कर वार करते रहे पीयूष गोयल। बार बार महाराष्ट्र सरकार से लिस्ट मांगते रहे पीयूष गोयल, रात के 2 बजे कहा 125 नहीं 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली है। पीयूष गोयल के ट्वीट पर शिवसेना का पलटवार, कहा आप भी हैं महाराष्ट्र के सांसद, आपको भी श्रमिकों का रखना चाहिए ख्याल। योगी के सौतेली मां वाले ट्वीट पर संजय राउत ने जताई आपत्ति, कहा संत को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और उद्धव सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण कोरोना पीड़ित, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुंबई के अस्पताल में एडमिट। करीब 2 महीने बाद बहाल हुई घरेलू हवाई सेवाएं, दस्ताने, फेस मास्क और फेस शील्ड के साथ मुसाफिरों ने पूरा किया सफर। मुंबई एयरपोर्ट पर भी लौटी रौनक, करीब 25 फ्लाइट्स ने भरी उड़ान, मुसाफिरों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। महाराष्ट्र ने हवाई सफर के लिए जारी की गाइडलाइंस, यात्रियों के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन किया जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक मिडिल सीट बुक न करने की दी छूट, साथ ही जोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कॉमन सेंस की बात। औरंगाबाद के हरसूल जेल में ईद की नमाज पढ़ते वक्त हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, नमाज के लिए महाराष्ट्र के अकोला और चंद्रपुर में गर्मी का कहर, अकोला में तापमान 47 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर में तापमान पहुंचा 47 डिग्री सेल्सियस। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले, 14000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 858 लोगों की मौत। लॉकडाउन के बीच सूरत में फिर से चमकने लगे हीरे, 50% स्टाफ के साथ शुरू हुआ तराशने का काम। 260 अंकों की गिरावट के साथ 30672 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 67 पॉइंट्स गंवाकर 9039 पर बंद। चौथी तिमाही में 22% गिरा HDFC लिमिटेड का मुनाफा, जनवरी मार्च तिमाही में 2233 करोड़ रुपए रहा मुनाफा। कीलेस इग्निशन और एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे एडवांस फीचर से लैस इंटरनेट कनेक्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, 64,990 रुपए है कीमत। लॉकडाउन के चलते डीएल व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट 31 जुलाई तक रहेंगे वैलिड, लेट फीस नहीं देनी होगी। कोरोना संकट से उबरने के लिए जोमैटो ने मैनेजमेंट में किया बदलाव, को फाउंडर मोहित गुप्ता बने फूड डिलीवरी बिजनेस के हेड। रिलायंस ने 200 शहरों में लॉन्च किया जियो मार्ट, ग्रॉसरी स्टोर अमेजन फ्लिपकार्ट बिग बास्केट से होगा मुकाबला। करण जौहर के घर काम करने वाले 2 कोरोना पॉजिटिव, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।